कटिन ऑर्डर थी और यहाँ पे आंचल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने अभी क्या था कि अभी मैंने कुछ सामान ऑर्डर करी थी, तो अभी मैं उसको यहाँ पे ओपन करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये जो है मैं कर्टेन ऑर्डर करी थी, तो इसमें का मैंने दो ऑर्डर करी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको मैं लगाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद इसका वीडियो आप लोग देख चुके हैं जो कि ये मैंने ब्लैक वाला ड्रेस एक मंगाई थी, और यहाँ पे एक ये साड़ी मंगाई थी। तो ये भी इसका लेंथ काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेंथ काफ़ी अच्छा है, और ये भी साड़ी काफ़ी सॉफ्ट है, और कलर भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं, एक इसका ब्लाउज है और एक इसका आंचल है। ये भी साड़ी काफ़ी खूबसूरत है, मैं बता दूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं आज खाना में बनाऊंगी लौकी की सब्जी और पूरी, लौकी और चना दाल की सब्जी बनाना है मुझे। तो उसे ही फिर वीडियो करते हैं, खाना बनाते हैं। लौकी कट कर ली हूँ और सानो भिंगो के रखी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर में सारा सामान है, थोड़ा थोड़ा सब में सामान बचा हुआ है। तो इसमें क्या था, ये कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड बचा हुआ था, और पतीला जो छोटा है उसमें रसगुल्ले हैं, थोड़ा थोड़ा सामान बचा हुआ था। और यहाँ पे इधर मैं लौकी वगैरह सब्जी सब कुछ काट के रखी थी, सब कुछ रेडी करके। तो थोड़ा थोड़ा सब सामान बचा हुआ है, उसको अभी साइड करके खाली करके सबको वॉश करना है मुझे। तो यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले इधर क्या करती हूँ कि इधर सब्जी रख देती हूँ ताकि बनता रहेगा, और साथ में जो किचन का काम है थोड़ा बहुत उसको मैं करती रहूँगी। तो इससे हमारा काम थोड़ा सा टाइम बच जाता है, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे मैं तड़का लगाने जा रही थी सब्जी का, और तो यहाँ पे तेज़पत्ता वगैरह ख़त्म हो गया था, तो दूसरा मैंने पैकेट यहाँ पे निकाल ली। और निकालने के बाद में इसमें मैं, क्योंकि मुझे कुकर में इसको पकाना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि इधर मैं इस पतीले में मैंने इसको छोंक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ, और उसमें मैंने तेज़पत्ता और जीरा, तो दोनों पक गया है अच्छे से। और यहाँ पे अभी मैं प्याज वगैरह कट कर ली थी, सिर्फ कट करना था, और उसको साफ़ करके वॉश करके सब कुछ मैं रख दी थी। तो चलिए, और यहाँ पे आप जैसे कि मैं आपको पहले बताई कि इधर सारा सामान थोड़ा थोड़ा सब कुछ रखा हुआ था, पनीर भी मैंने फाड़ के रखी थी, तो उसको भी साइड निकाल के कट करके रखना था, क्योंकि अभी मैं लौकी बना रही हूँ और शाम को देखती हूँ पनीर बनाऊँगी। तो यहाँ पे अभी हमारा जब प्याज पक गया था, तो फिर मैं इसमें डाल दी थी लौकी। तो थोड़ा देर हम लौकी को भुनेंगे, और भुनने के बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी चना। तो आज लौकी, जैसे कि मैं आपको पहले बताई कि चना में मैं लौकी में मैं चना डाल के बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि मैं सब्जी लाने गई थी तो लौकी लेकर आई थी, क्योंकि मतलब बीच बीच में कोई कोई सब्जी चेंज करके ऐसे लेकर आती रहती हूँ, तो थोड़ा बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी सब्जी में मैंने चना वगैरह डाल दी हूँ, और यहाँ पे मैं बच्चे से बात कर रही, बच्चों लोग से बात कर रही थी, गेट बंद कर दूँ, और लाइट की वजह से ये कीड़े वगैरह आते रहते हैं ना, तो फिर इसकी वजह से, और बारिश हो रही थी बाहर। और यहाँ पर मैं पनीर कट करके रख दूँगी फ्रिज में, और तब तक हमारा सब्जी बन रहा है। तो चलिए, फिर सारा मैं पनीर कट कर देती हूँ और रख देती हूँ ताकि शाम को इजी रहता है। तो थोड़ा बहुत शाम का काम थोड़ा बहुत मैं करके रख लेती हूँ, कुछ मसाला वगैरह रेडी करके, जैसे सब्ज़ी कट करके, कि ताकि थोड़ा सा शाम को टाइम, क्योंकि शाम को बहुत कम टाइम रहता है, शाम को बहुत सारा काम रहता है, तो इसलिए नहीं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा हो जाता है साथ के साथ। तो चलिए, फिर यहाँ पे मेरा पनीर भी कट हो गया है, और इसको अभी रख देते हैं फ्रिज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं स्क्वायर शेप में पनीर को कट कर ली हूँ, और इसके बाद
इसके बाद अभी मैं आटा वगैरह अभी रेडी करूँगी। तो अभी सब्जी का थोड़ा बहुत काम है, और जैसे कि मैं बोली तो कभी कभी क्या होता है कि मैं एक्स्ट्रा मसाला वगैरह रेडी कर लेती हूँ, तो ये सब्ज़ी है ना, तो इसके लिए मैं मसाला पहले से ही रेडी करके रखी थी, क्योंकि मसाला मैं बनाई थी ना तो सब्ज़ी का तो बचा हुआ था मॉर्निंग का। तो यहाँ पे इसमें मैं नमक डाल दी हूँ ताकि जो हमारा लौकी है वो जल्दी से पक जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ, और मैं मसाले वाला जो डब्बा है जिसमें हल्दी मिर्ची वगैरह पाउडर रखती हूँ उसको वॉश करना है, इसलिए मैं उसमें डाली नहीं हूँ। तो अभी तक से उसको मैं वॉश नहीं कर पाई हूँ, तो उसको अभी सारे मसाले थोड़े थोड़े ख़त्म हो गए थे, तो उसको मेरे को सबको लेकर आना था, और इसके बाद सारे को सेट करके रखना था, तो सिर्फ हल्दी ही बचा हुआ था। तो फिर और सारे डब्बा में था, धनिया वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, इसमें मैं इसको मैं ढक दी हूँ सारा कुछ डालकर, और इसके बाद जब तक हमारा ये पकता रहेगा तब तक मैं आटा वगैरह रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे चलिए फिर आटा रेडी कर लेते हैं जब तक हमारा सब्ज़ी भी पक जाएगा, और इसके बाद पास से आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ मसाला वगैरह सब कुछ डाल के पका ली थी, और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा हरी मिर्च जो होता है ना उसको मैं कट करके डालती हूँ, नहीं तो उसको मसाले के साथ उसको उससे थोड़ा सा ना उसका कलर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको हरी मिर्च होती है ना उसको मैं कट करके ही डालती हूँ। और यहाँ पर आप लोग को मैं बता रही थी कि ये कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलर इसका हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताई कि रेड मिर्ची सब कुछ थोड़ा बहुत सब सामान वगैरह ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी ग्रोसरी की शॉपिंग करने, तो फिर मैं सारा कुछ लेकर आ जाऊंगी एक ही बार में। तो चलिए फिर अभी मैं आटा तो पूड़ी का आटा लगा लेती हूँ। तो पूड़ी का आटा में मैं थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करती हूँ, इससे जो हमारा पूड़ी का टेस्ट होता है जो काफ़ी टेस्टी लगने लगता है और टेस्टी लगता है। तो एक बार आप लोग ऐसे ट्राई करिएगा, काफ़ी खूबसूरत नहीं काफ़ी अच्छा लगता है, और ये लौकी के साथ और पूड़ी का कॉम्बिनेशन आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। हम तो कभी कभी ट्राई करते हैं, कभी कभी बनाते हैं, तो यहाँ पे जब लौकी लेकर आती हूँ तभी बनाती हूँ, ठीक है। तो कभी कभी बना पाती हूँ कभी कभी नहीं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा हमारा सब्ज़ी पक गया है, और सब्ज़ी पकने के बाद में मैं अभी क्या करूँगी कि इसको सारे को मैं कुकर में डाल के और एक से दो सीटी लगा लूँगी ताकि जल्दी से हमारा सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। और तो ये आप देख सकते हैं ये सारा, और यहाँ पे मैं ये जो पहले जो ये लोहे की कढ़ाई है, जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं लोहे की कढ़ाई में ही कुछ फ्राई वगैरह करती हूँ, तो ये है, तो एक मैं दो रखी हूँ तो इसमें पहले से बचा हुआ है, तो अभी इसको मैं साइड करूँगी, और दूसरे वाले में मैं जो वॉश करके रखी हूँ उसमें मैं पूड़ी वगैरह तलूँगी। तो चलिए फिर यहाँ पे अभी पानी वगैरह सब कुछ डाल के और सीटी लगा देती हूँ, और सीटी लगाने के बाद मैं अपना पूड़ी बनाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मैं पानी डाल दी हूँ, और चलिए फिर और पास से मैं आपको दिखा दूँगी और सब्ज़ी हमारा बनने के बाद में कैसा हुआ था, तो काफ़ी टेस्टी हुआ था। और यहाँ पे तब तक मैं पूड़ी वगैरह भी तल ली थी, ज़्यादा सूट नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा पूड़ी तल ली हूँ। और तो मैं दूसरा, जैसे कि आपको बोली कि मैं दूसरा कढ़ाई में इसको फ्राई करूँगी, और वो अलग कढ़ाई में साइड रखती हूँ वॉश करने के लिए, वॉश क्या करने के लिए वॉश में करती हूँ। और यहाँ पर अभी मेरा पूड़ी वगैरह सब कुछ मैं तल ली हूँ, और एक दो बचा हुआ है उसको भी मैं तल लेती हूँ। और तो तलने के बाद में अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को खाना वगैरह खिलाती हूँ। तो आज बच्चों को क्या है, बच्चों को पेपर चल रहा है, तो उसमें जैसे कि ऐसे गैप करके है, उसमें एक दिन का ब्रेक है और एक दिन जैसे पेपर है, तो ऐसे है। तो आज बच्चों को छुट्टी था, तो फिर मैं आज इसलिए मैं आफ्टरनून में बना रही हूँ, क्योंकि देखती हूँ शाम को चावल वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा पूड़ी और सब्ज़ी और हमारा लंच रेडी हो गया है। तो लंच में आज चावल नहीं खाने का मन था, इसलिए हम लोग आज रोटी बनाने के लिए सोच रहे थे, तो फिर मैंने पूड़ी और सब्ज़ी बना दी। और यहाँ पे मैं अपने ये सब्ज़ी का जो हमारा है उसका सीटी निकालने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करी, और थोड़ा सा इसमें पानी है, तो चलिए फिर थोड़ा सा इसको मैं पका लेती हूँ। और पकाने के बाद में फिर मैं सैलड वगैरह कट करूँगी।
तो सैलेड वगैरह कट करने के बाद में फिर अभी हम लोग लंच करेंगे, और लंच वगैरह करने के बाद में थोड़ा देर मैं रेस्ट करती हूँ और बच्चों को भी रेस्ट कराती हूँ, और इसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। मैं जैसे कि आफ्टरनून का मैं किचन भी नहीं क्लीन कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को मेरे को रेस्ट कराना होता है तभी शाम को पढ़ाई करते हैं, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो इसलिए मुझे ज़रूरी होता है। और इसके बाद का मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो थोड़ा देर मैं ये लौकी है जो इसको पानी था थोड़ा सा, तो मैं इसको सुखा दी पानी को, और इसके बाद अभी हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे। और एक ही बार आप लोग से मैं ये शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि जब शाम हुआ तो बच्चे गए खेलने के लिए, ठीक है, छोटा वाला गया पार्क में, मैं मना कर रही थी मत जाओ, बट वो गया और स्लाइड पर से गिर के और वो चोट लगा लिया, तो कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पे अभी गई थी MH और उसको दिखाकर एक्सरे वगैरह करा के सब कुछ लेके आई, तो यहाँ पे उसका फ्रैक्चर वगैरह नहीं था, बट ओनली फोर चोट लगा हुआ था, तो कमर में उसको ज़्यादा चोट लगी थी, तो डॉक्टर दवा वगैरह दिए थे और इसके बाद क्रीम वगैरह दिए थे थोड़ा सा उसको अप्लाई करने के लिए। अब फिर इसके बाद और मेरा बीच में तबीयत ख़राब था, तो इसका ऐसे ही एक हफ्ते ऐसे ही स्कूल नहीं गया जा पाया था, और फिर अभी इसको भी फिर चोट लग गई, तो फिर अभी तो देखिए कब तक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो फिर इसका क्योंकि इसका भी पेपर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी मैं खाना वगैरह रेडी कर ली हूँ और जा रही हूँ इसको दवा वगैरह लगा देती हूँ, और इसके बाद खाना उना खिलाकर फिर मैं सुलाऊंगी। तो चलिए फिर, इसको कमर पे ज़्यादा चोट लगी थी और इसके बाद थोड़ा सा पैर में लगी थी, तो ये चल नहीं पा रहा था, फिर थोड़ा धीरे 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 मैं इसको चलाई, और फिर इसके बाद एक दो दिन के बाद में ये ठीक हो गया था। तो फिर अभी देखते हैं, और ये मंडे से स्कूल में कोशिश करूँगी इसको भेजने के लिए, क्योंकि उस मंडे को इसका पेपर है। तो ये आप देख सकते हैं आज का ब्लॉग हमारा यहीं था, और यहाँ पे आप लोगों को मैं बैक कैमरा से दिखा रही थी, सर वगैरह नहीं था, और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो चलिए फिर ये वीडियो यहीं पेंड कर देते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।